सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान अनुराग त्रिपाठी जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुत्र हैं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के। खासकर जब भी शो होता है हमारा अनुराग जी के साथ, तो हम उनका परिचय केवल वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कराते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से हमने डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी को याद किया है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी हम जैसे अनुराग जी के शुभचिंतकों के दिलों में बसते हैं, लेकिन राजनीतिकों के दिल में भी वो कभी कभी आ जाते हैं। बात उसी पर करेंगे सीधे अनुराग त्रिपाठी जी से। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा हम लोगों के दिलों में बसते हैं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, लेकिन राजनेताओं के दिलों में भी बसते हैं। राम मनोहर त्रिपाठी जी के नाम पर एक फिर से एक बार चर्चा में आए हैं, और वो चर्चा वही है उनकी स्मृति में बनने वाले, उनके नाम पर रखे जाने वाले हिंदी भवन की, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के। 2014 बाबूजी के यहाँ से उनका प्रस्थान 2002 में हुआ है, और 2014 में 20 साल होने आ रहे हैं। 20 साल होने आ गए, जब इस मार्च में 20 साल हो 20 साल हो जाएंगे। और 2014 में तय हुआ, उस वक्त की सरकार ने तय किया था, कांग्रेस NCP की, कि उनके नाम पर एक हिंदी भवन मुंबई के विश्वविद्यालय कालीना परिसर में बनेगा, और उद्घाटन भी हुआ था। चुनावी वर्ष था, लोगों ने कहा भी था कि चुनावी वर्ष है, नज़दीक था एकदम, और वो भवन 2014 हो गया, 2019 हो गया, चुनाव चला गया, पूरे 5 साल की एक सरकार चली गई। एक बार फिर भाई जगताप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस विषय को लिया है। वहाँ से लेकर यहाँ तक उस नाम का केवल इस्तेमाल हुआ, और वो भवन आज भी नहीं बन सका। बहसियत पुत्र पत्रकार के आप अगर लिखते हैं तो लिखते हैं, ये बहसियत पुत्र तो आप अटैच पाते हैं ना उस नाम से, और जब उनके नाम पर हो और ना हो तो पीड़ा भी होती है ना। नहीं, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक सबसे पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत उपकृत हूँ इस बात के लिए कि उनके ना रहने के बाद उनको इस तरह से याद किया जाता है आज भी। उनका कर्म ही ऐसे थे और वो वैसे व्यक्तित्व थे, इतना त्याग और इतना लगन और इस तरह की चीज़, उन्होंने इतना प्रेम बरसाया, वो मुझे आज भी 20 साल बाद वो उसका मुझे मिलता है कर्ज, जो शायद मैं उस लायक भी नहीं, उससे ज़्यादा मुझको मिलता है, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और राजनीतिक दलों से लोग शिकायत करते हैं कई बार, क्यों याद करते हैं चुनाव वगैरह सब, मैं ये सब नहीं देखता, मैं धन्यवाद देता हूँ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे जी, है ना, जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहे, और जीवन के अंतिम वर्षों में वो NCP में रहे, चुनाव भी लड़े 1999 में। तो उसके बावजूद आप ये क्यों नहीं नोटिस करते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको हर पार्टी में लोग याद करते हैं जी भाई साहब, और कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है महाराष्ट्र या हिंदुस्तान में जिसको हर पार्टी याद करती है भाई साहब? प्लीज़ हो तो मुझे बताइए। बाबा साहब अंबेडकर हैं, ठीक है ना, वो मैं उस लेवल पे नहीं थे, लेकिन ऐसे आदमी थे जिनको हर पार्टी हर याद करती, ठीक है ना। लेकिन बाबू जी को मेरे इतने बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हर दल याद करता है, ठीक है ना। साहित्यकार थे, हाँ, पत्रकार थे, हाँ, आला दर्जे के इंसान थे, ये सारी चीजें थी ना। नहीं, कितनी बड़ी बात है, बेशक ये सोचिए तो सही। अब अमरजीत मिश्रा हूँ, है ना, एक पुरस्कार देते हैं हर साल बाबूजी के नाम से जी, BJP के महासचिव हैं मुंबई के जी, और जी, बहुत एक्टिव प्रेम शुक्ला जी उस कार्यक्रम में हर बिल्कुल रहते हैं BJP के।
है। ये बीजेपी का फंक्शन एक तरह से होता है, ज़्यादातर बीजेपी के नेता मंच पे होते हैं, हाँ, हाँ। जिसमें सारे बड़े नेता आ चुके हैं, हाँ, उनके नाम का अघोषित रूप से वो प्रो बीजेपी कार्यक्रम ही होता है, कार्यक्रम होता है और आरजेपी नहीं है। हालांकि अगर वो लोग हैं राजनीतिक दल में, हालांकि वो एक सामाजिक संगठन की तरफ से होता है, लेकिन मंच पे जो लोग दिखते हैं वो एक तरह का उस पर रंग दिखाई देता है। तो वो सब बीजेपी नेता उनको उतने ही प्रेम से, उतने आदर से, सत्कार से याद करते हैं। ठीक है, शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे कम से कम 3 पुरस्कार बाबूजी के नाम के खुद दे चुके हैं जी, है ना, उनके नाम के कार्यक्रम दे चुके हैं, लिटरली शिवसेना की बात है। कांग्रेस में नसीम खान जैसे लोग हैं जो हर वर्ष उनको याद करें, उनके नाम का फाउंडेशन बना रखा है, एक छोटा सा हॉल बनाया जो फायदा, और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं भवन की, ये आखिर इसमें कहीं ना कहीं नसीम खान जी का रोल था, जो उन्होंने वो इतनी बड़ी बात सोची कि वो पढ़े लिखे आदमी थे और वो उनके नाम का हिंदी भाषा भवन, वो उसका नाम भाषा भवन था लेकिन वो एक्चुअली हिंदी का डिपार्टमेंट बनना था, जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है मुंबई का, हिंदी का डिपार्टमेंट, उसके भवन की ज़रूरत है। मराठी वाला बन चुका है, है ना, हिस्ट्री का बन चुका है, कई ऐसे भवन बन चुके हैं, हिंदी वाला एक बनना चाहिए था, तो वो भवन बनने की बात थी, उसका नाम बाबूजी का नाम जी, जी, बाकी भवन तो वो हिंदी डिपार्टमेंट यूज़ करने का था। तो वो भवन का जो संकल्पना थी उन्होंने उसको साकार करने की कोशिश की, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी जब आप देखिए, है ना, आप उसके बाद को देखिए, एनसीपी के नरेंद्र वर्मा जी थे, उन्होंने बाबूजी के नाम का पुरस्कार शुरू किया और बरसों तक उसको निभाया। ऐसे ही आप देखें तो हर दल में मुझे जो नज़र आता है ना, छोटे मोटे दलों का मैं नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, ये बड़े दल जो 4 प्रमुख बड़े दल हैं, वो चारों दलों में उनको लोग याद करते हैं, आदर से याद करते हैं, सत्कार से याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं, सौहार्द से याद करते हैं। ये ऐसा नसीब किसको प्राप्त होता है, तो वो नसीब जो है जिस तरह का, और वो प्रेम अच्छा, कई बार बरस के मेरे ऊपर आ जाए, और मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं है कि मुझको इतना प्रेम मिले, तो वो प्रेम के प्रति तो मैं सिर्फ उपकार का भाव है मेरे मन में, और कोई दूसरा भाव मेरे मन में आता ही नहीं। नहीं, लेकिन देखिए, लोगों की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को नसीम खान साहब ने और उनके साथियों ने, तब नारायण राणे जी कांग्रेस में थे, मंत्री थे, उद्घाटन वगैरह हुआ, हम लोग सारे लोग, अधिकांश पत्रकार, शहर के ऐसा कोई नहीं था जो मौजूद ना रहा हो, और बाबूजी के जितने चाहने वाले थे मौजूद थे। उद्घाटन होने के बाद कई उसके प्रावधान किए गए पिछले कार्यकाल में, 2014 से 19 वाले कार्यकाल में, उस पर एक इंच भी कार्य आगे नहीं बढ़ा। अब भी वही स्थिति है, लेकिन चलिए दोबारा से उस पर मुहिम शुरू हुई है, तो वो पैसे, असल में वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ पूरे कार्यकाल में बीजेपी के, मेरे ख्याल से कार्यकाल के ठीक बीचों बीच में जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे फडणवीस, उन्होंने खुद आकर के अपने से एक सामाजिक कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों को घोषणा कर दी थी कि वो भवन बनेगा, और उन्होंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर जो समय थे विनोद तावड़े, उनको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे स्पष्ट, कि विनोद तावड़े जी ने मीटिंग भी बुलाई, प्लान पास करने के लिए पहली बार गया। पहली बार जब भवन बना था कांग्रेस का, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी नहीं कि अपने प्लान वो पास कराए, अपनी यूनिवर्सिटी बना सकती है भवन, लेकिन फिर भी प्रॉपर प्लान पास होने गया, और प्लान पास होकर के आया, है ना, उसका फॉलोअप हुआ, उसका कमेटी में मुझे रखा गया, वो प्लान तक पास हुआ। फिर किसी कारण से वो उसके 2 हिस्से उन्होंने कर रखे थे, तो वो एक बीजेपी की जो सांसद महोदय थे उनके नाम से भवन बनना था, वो तो बनना, उसका टेंडर भी निकल गया, और पता नहीं क्यों ये फिर रुक गया। सवाल यही है, हाँ, कि भाई आपका पूरा एक कार्यकाल, आप उत्तर भारतीयों को बड़े कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आकर्षित करते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उनके मत लेना चाहते हैं, ये सब जायज़ है, हाँ। राजनीति नाम ही इसी का, हाँ, है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जैसा आपने ही कहा, हर दल के लिए स्वीकार्य, सभी के दिलों में उनके प्रति आदर, मेरे ख्याल से पछतावा हो जाएगा। अब क्या होता है, सत्ता में जब आप होते हैं आपके पास 100 काम होते हैं और 100 लोग, 100 में ये काम कैसे रुक सकता है, होता ऐसा है, मैं तो 35 साल से राजनीति कवर कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं, होता ऐसा है कि राज नेता के साथ एक बहुत ही ईमानदार सच्चा खड़ा हुआ कार्यकर्ता रहता है ना, वो अकेले जाता है सत्ता में नेता के साथ, और वहां उसको भीड़ घेर लेती है, फिर लौट के जब आता है तो कार्यकर्ता अकेला बचता है, तभी नेता को रियलाइज होता है, अरे इसके लिए तो अपन कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है, वो जो स्थिति आनी पड़ती है कई बार सत्ता जाने के बाद, कि एहसास होता है लोगों को कि भाई गड़बड़ कर गए, ये काम तो कर लेना चाहिए था हमको। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के जो नेतृत्व है वो निश्चित तौर पे पछता रहा होगा कि ये काम नहीं कर पाया, उसके हाथ से नहीं हो पाया, उसको श्रेय नहीं मिल पाया इस चीज़ का। श्रेय की बात ही नहीं थी, सब कुछ तैयार है ना, आप
उद्घाटन हो चुका है, जगह अलॉट है, फंड आ चुका है, आपके फंड लैप्स हो रहे हैं, आप रिटर्न जा रहे हैं, चूक हो, तो ये चूक सरकार, उसके बाद भी अगर आप कहें पिछली सरकार, उसके बाद भी आप कहें कि आप बहुत हितैषी हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। अब देखिए, सवाल तो हर तरफ उठ रहे हैं, मैं दूसरी तरफ भी सवाल, चूक हो गई है, निश्चित सवाल तो दूसरी तरफ भी, चूक गए हैं और पछता भी रहे होंगे, ठीक है, तो पछताएंगे, है ना, पछताने वाला अब चारा नहीं है, ठीक है ना। आपको देखिए, मैं अगर किसी मैं बता रहा हूँ कि गालिब का मुझे भवन बनाना है, ठीक है, तो वो मैं अपने ऊपर नहीं, वो गालिब पे बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूँ जी, मैं अपने आप पे कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर, हाँ, मेरे मुझ में अगर बदा होगा तभी मैं वो कर पाऊंगा। तो सर कभी कभी आदमी चूक जाता है, सरकार चूक गई। ये देखिए, ये तो अलग बात है, राजनेताओं की बात छोड़ दीजिए, अब दूसरे भी लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं, अनिल गलगली जी, उनके मन में लगा, अब वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं, देश के सबसे बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो लगे रहे कि चलो ये भवन का काम लैप्स हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो बीकेसी जो मुंबई बीकेसी का रोड है, उस बीकेसी को रोड को राम मनोहर त्रिपाठी मार्ग दिया, प्रकाश मेहता को लेकर के, वो जो कैबिनेट मंत्री थे उस समय, उनको लेकर के दो बार फडणवीस जी से मिले और दोनों बार समाचार भी छपे किस रोड का नामकरण होगा उसके। अच्छा, ये प्रस्ताव कोई नया नहीं था, प्रस्ताव उनकी मृत्यु के बाद ही आ चुका था जी, है ना, वो तत्कालीन जितने मुख्यमंत्री और सब उस पर कुछ ना कुछ रिमार्क मार चुके थे, कई नेताओं का, अलग अलग राजनेताओं के पत्र वहाँ पे एमएमआरडीए में पड़े हुए हैं, विभिन्न अक्रॉस पार्टी लाइंस पत्र पड़े हुए हैं कि भैया इसको मार्ग को नाम दिया जाए। तो पिछली सरकार चूक गए, यानी 99 से आप गिनिए, आप प्लीज 5 साल मत गिनिए, हाँ, उससे तो पहले के भी गिन रहे, पहले के भी गिन रहे, मैंने कहा ना कि मैं दूसरे तो पर भी सवाल उठ रहे हैं, कभी कभी ये नहीं, कभी सभी पर, हाँ। कभी कभी चूक हो जाती है, लॉन्ग टर्म ये चूक हो गई, इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है, वो इच्छा शक्ति मैं बताया ना आपको, जब लिखा होगा तभी तो आप कर पाओगे उस चीज को, तो श्रेय अब लिखा था, है ना, किसी को लिखा होता है, किसी को नहीं लिखा होता है, कोई करता चला जाता है उसके नाम से होता चला जाता है, तो वो करना किसको है, होना किसको है, ये हम नहीं जानते, ठीक है। अब जो करके निकल जाते हैं, कई लोग ऐसे करके निकल जाते हैं, अभी इस समय मैं बताऊं, उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट हैं आजकल अनिल त्रिवेदी जी, आपको पता है, उस अकेले आदमी ने बाबूजी का एक सीडी रिलीज करवाई, अनूप जलोटा से बाबूजी के गाने गरबा, बाबूजी के गीतकार तो बाबूजी थे ही, लेकिन उनके गीत अनूप जलोटा से गवाए, और उसका रिलीज फंक्शन कहाँ हुआ मालूम है, गेटवे ऑफ इंडिया पर जी। अब गेटवे ऑफ इंडिया पर फंक्शन लेना, वैसा मुझे तो सामान्य फंक्शन अगर लेना है तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया 19 परमिशन लगती हैं, जिसमें मिलिट्री से लेकर के केंद्र से लेकर राज्य तक की 19 अलग अलग परमिशन लगती हैं सर। वो अकेला आदमी, वन मैन आर्मी सर, वो कर ले गया कार्यक्रम सारे के सारे, है ना, अकेला आदमी, वन मैन पर्सन, इच्छा शक्ति ना सर, हाँ सर यही कह रहा हूँ ना, इच्छा शक्ति, ये जितने लोग पुरस्कार दे रहे हैं बाबूजी के नाम पर, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के नाम पर सारे पुरस्कार दे रहे हैं, इच्छा शक्ति है तो दे रहे हैं, देने की इच्छा है तब न, आप उसमें तमाम अड़चने बताकर, कोई अड़चन भी तो नहीं ऐसी समझ में आई कि भाई बहुत बड़ी अड़चन आ रही है, लेकिन वही आपकी बात पर फिर मैं आता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति हो भी और आपके भाग्य में ना हो कि आप कर पाए तो फिर आपका दुर्भाग्य है। तो ये जो जीवित फौज लेकर आप चल रहे हैं, इनके दम पर आप बने कि उत्तर भारतीयों की बहुत बड़ी हितैषी हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। आज आप दूसरे छोटे से छोटा दल आ जाए सर, वो मान ले कि भाई मैं उत्तर भारतीय विरोधी हूँ या पक्षधर, लेकिन ऐसे किसी नाम के साथ में अगर खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है ना कि लोगों की एक दृष्टि उनकी तरफ जाएगी कि चलिए ये काम जो इतने वर्षों से अटका हुआ तो शुरू तो कर रहे हैं, अच्छा काम किया, एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका परिणाम अच्छा निकले। तो ये जो बहुत बड़े नाम और बहुत बड़ी फौज, ये सब धरी की धरी रह जा सकती है एक इतने बड़े काम को लेकर, लेकिन इसके लिए भी अभी भी लोग उसको जोड़ेंगे कि भाई चुनाव आ रहा है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, ये सब एक बात हो सकती है। लेकिन जैसे आप हैं, जो बाबूजी की भूमिका थी वही आपकी एक सकारात्मक है, उसे राजनीति से ना जोड़ें, एक काम हो रहा है, पर उस काम को अब तो फॉलोअप भी लेना होगा। हाँ, मुझे लग रहा है लगातार लेने की जरूरत होगी, क्योंकि अब फिर रुका तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, फिर हम किसी 3 साल बाद बैठकर इस सरकार को कोस रहे होंगे। तो बेहतर ये है कि इसको फॉलोअप किया जाए।
हाँ वो तो इस फॉलोअप को कैसे किया जाए? वो असल में मैंने आज तक फॉलोअप नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, नहीं, आपको अब गाइड करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो मुझे आप देखिए एक समस्या हो जाती है, आन पड़ती है, आप समझ रहे हैं जी। जैसे मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ ना, मैं हर साल एक आप मैं चीज़ें करते मैं, हैं सर। मैं छोटे मोटे काम जो मेरे नाम के हैं वो करता रहता हूँ, ठीक है जी। मैं और कुछ नहीं कर पाता तो एक रामायण का एक पाठ करवा लेता हूँ उनके स्मृति में, है ना, आप तो उसमें जी, आते हैं जी जी बिल्कुल। हम लोग हर 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 कलर, हर पक्ष, हर रंग, हर धर्म, हर हर जाति के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आपने देखा है ना कितना एक एक पॉजिटिव प्रोग्राम होता है, तो कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। एक एक वेबसाइट लॉन्च की थी ogi.com, उसमें भी आप थे, शामिल हुए थे, आपने देखा था जी, बिल्कुल, कि मंच पर 11 मंत्री थे जी, तो देख रहे थे आप जी। ये सारी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं, कभी कभी यहाँ से देखे, रायबरेली में एक कार्यक्रम होता है ना, वो सुपर 40 वाले सज्जन हैं, सिंधुताई सकपाल हैं, बड़े बड़े लोगों को वो सम्मान दिया जाता है हर साल, बिल्कुल, बाबूजी के नाम का, जबकि बाबूजी का वो कर्मभूमि नहीं है, सिर्फ जन्मभूमि, जन्मभूमि है, बाद में तो वो चले मुंबई, लेकिन उनकी जन्मभूमि में। और ऐसे लोग भी नहीं, ऐसे भी लोग नहीं कि उनके साथ खेले बड़े लोग वो कार्यक्रम कर रहे हैं, लोकल बुद्धिजीवी, लोकल बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको शान महसूस होती है कि राम मनोहर त्रिपाठी यहाँ से पैदा होकर के महाराष्ट्र में गए थे, वो करवाते हैं प्रोग्राम। हर साल मैं जाता हूँ और वो प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वाइड स्केल पर होता है। ऐसे ही कई पुरस्कार और सम्मान जो हैं वो आते रहते हैं और चलते रहते हैं, है ना। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लगभग समर्पित रहते हैं। मैं उनका नाम लूँगा, ब्रिजमोहन पांडे जी हुए, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हुए, आप मैं देखूँ आपको, मैं लिस्ट अगर बांटना शुरू करूँगा, मेरे भी प्रोग्राम में, मेरे भी रामायण में भी इतने लोग हेल्प करते हैं कि मैं तो उसका नाम लेना शुरू करूँ तो ये प्रोग्राम खत्म। उन सबके प्रति सिर्फ कृतज्ञता का भाव लेकर के मैं बोल सकता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता है। अब एक शुरुआत हुई है ना, उसमें जो है उसमें क्या हो रहा है कि वो बाबूजी, एक वाइडर ऑडियंस बाबूजी को मैं देखता हूँ, जी बाबूजी को एक अलग अलग आईने में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बाबूजी एक पब्लिक फिगर थे, ठीक है, वो मेरे पिता थे, वो तो ठीक है, ठीक है जी। अगर कल कल कोई कहे कि ऐसे कोई कहे कि मैं अभी एक एग्जांपल दे लूँ कि चलिए इंदिरा गांधी ऐसा थोड़ी सोचती थी कि जवाहरलाल नेहरू मेरे पिता ही हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो कहें महात्मा गांधी मेरी विरासत है, तो आप हंसेंगे ना। तुषार गांधी ने कभी ये नहीं कहा ना, मन से वो राजनीति में भी है, कभी क्लेम भी नहीं किया इस बात का, ठीक है ना, मेरी नहीं, ठीक है। शास्त्री जी के लगभग पूरा परिवार है राजनीति में, अलग अलग दलों में बटा हुआ, उनमें से कोई नाम लेता है कि मैं वो हूँ, ठीक है ना, उनको वो नहीं करना होता है कुछ चीज़ों को। क्यों, आप इस सवाल का जवाब मुझसे पूछें, क्यों? अगर पिता थे ना आपके, तो थे ना भैया मेरे पिता, लेकिन वो एक वाइडर कैनवास पे एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, वो वाइडर कैनवास को देखना पड़ता है। और लोगों की भी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मुझे चिंता भी नहीं करती है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं वो विरासत क्लेम करने आ रहा हूँ। ये समस्या आप देख रहे हैं आज के दौर में, बहुत सारे लोग उस विरासत को क्लेम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों ने उस जूते में पैर डालने की कोशिश की है, परेशान देखे परेशान हुए हैं, ठीक है ना, जूते में पैर डालना है। हाँ, तो मैं भाई साहब तो उस जूते में पैर नहीं डालने वाला, ठीक है ना, है ना। हाँ, एक अच्छे आदमी के प्रति, एक समाज के लिए, मैंने तो उनका समर्पण बहुत नजदीक से देखा, ठीक है ना, एक आदमी जो, लेकिन उस पर लगना तो पड़ेगा। हाँ, वो जो है वो लगना, ये जो है सामाजिक दायित्व के लिए आदमी काम करता है, तो समाज का भी तो ये हित हो जाता है कि वो उसको देखे कि वो क्या करना चाहिए। हम लोग बार बार बहुत ज़्यादा दोष देते हैं लोगों को, पूरी व्यवस्था को दोष देते हैं कि ऐसा है ऐसा है, और ये इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मेरे ख्याल से हर आदमी को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमने क्या किया। बिल्कुल। तो समाज के लिए अगर कोई आदमी काम करता है तो समाज का जो भी जिम्मेदार आदमी है, जो भी उस समाज का जिम्मेदार आदमी है, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसकी स्मृति को कैसे याद रखें और कैसे अगली पीढ़ी को बताएं। पूरी सब की जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। उस सामूहिक जिम्मेदारी में मैं भी एक आता हूँ, ठीक है ना, बेशक। मैं उस खांचे में अपने आप को देखता हूँ, उतने से खांचे में, ठीक है ना। मैंने अपना काम, जैसे मैंने, बाबूजी राजनेता थे, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई राजनीति नहीं की, अब रिटायर करने वाला हूँ पत्रकारिता से, ठीक है, बिल्कुल वर्ज पे खड़ा हूँ, उम्मीद करें, है ना, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इससे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बड़ा मुश्किल भी है, बाबूजी जो विरासत छोड़ गए हैं वो चलाना बड़ा कठिन है, आज के दौर में चल भी नहीं, आप समझिए, वो हालत तो हम लोगों की बिल्कुल भिखारी वाली थी बाबूजी के रहते रहते तक। हाँ, वो तो मेरी पत्नी और मैं नौकरी करते थे, किसी तरह घर चला है कठिनाई से,
वो आज की राजनीति तो पैसों की राजनीति हो गई। हाँ, बिना पैसे के हाँ, तो पैसे तो बनाना मैं भी जानता हूँ क्या कठिन काम है, चार बदमाशों को खड़ा करूँ पैसे भी दे जाएंगे वो, ठीक है ना, फिर विरासत का क्या होगा, समस्या ये आती है। हाँ, तो उसकी वो तो, सांस्कृतिक हाँ, सामाजिक और पारंपरिक विरासत संभालिए, ठीक है, राजनीतिक विरासत तो बहुत सारे साहित्यिक विरासत, साहित्यिक विरासत है। हाँ, बाबू जी कवि थे, साहित्यकार थे, मैंने नहीं छोड़ा, मैं किसी, आपने कभी सुना मैंने कविता करते नहीं, गलती से भी, गलती से कहानी लिखते हुए सुना नहीं, नहीं, कभी नहीं, क्या प्रेरित लोगों ने किया? हाँ, लिख, मैंने कई भूमिकाएं लिखी हैं, भूमिकाएं लिखी हैं, ठीक है, प्रेरित किया है, समझाया है, खुद नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, नहीं नहीं एक जूता है, एक बड़ा लक्ष्य। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात की, जूते में पैर रखना खतरनाक, ठीक है ना। हाँ, मैंने पत्रकारिता की, वो तो आपने उनके दौर में ही शुरू कर दी थी सर, उनके दौर में, उनके सामने शुरू कर दी और वन पॉइंट प्रोग्राम पे रखा, ठीक है ना। और ये मेरे बाद लोग उसका आकलन करें कि मैंने क्या किया या नहीं किया, ठीक से उनका काम है, लेकिन पास में देखें, लेकिन सर ये एक भवन का अब शुरुआत हुई है, क्रेडिट भले कोई ले जाए, ले ही जाए, क्या फर्क पड़ता है सर, कर तो रहा है। हाँ, नहीं, मैं तो हमेशा जो भी करे क्रेडिट ले जाए, उससे किसी को इनकार नहीं है। भाई जगताप ने, सूर्य ठाकुर ने, एक्स वाई जेड ने, जिसने भी शुरू किया हो, वो पूरी कांग्रेस लगी हो, मंत्री लगे हो, नसीम खान साहब हो, और भी जो लोग उसमें पीछे लग के अगर करा ले जाते हैं, काम हो जाए, उस दिशा में प्रयास करने की जरूरत तो है, ठीक है। और बड़े बड़े तुर्रम जो अपने अपने काम जाकर करा ले जाते हैं, वो फूंक कर तो आए कि भाई वो डॉक्टर साहब के नाम का वो क्या हुआ सर, थोड़ा सा लोगों को दुविधा में तो डाले हैं, बड़े लोगों को होगा सब, तो ये होना चाहिए, सब ठीक होगा, है ना। आप उसको देखिए, कुछ चीज़ें कभी कभी समय पर ही होती हैं, तो समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सर दबाव तंत्र की जरूरत है उसकी, कहीं ना कहीं आपको कोई जरूरत नहीं है सर, ठीक है, लेकिन उस नहीं जरूरत की वजह से ही देर होती गई। मैं आपको सवाल पूछता हूँ उल्टा, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा बदलती है, बड़े वैसे हम लोग बहुत अंदर तक चले गए इस चर्चा में, बड़े भावुक स्तर पर चले गए, है ना। मैं आपको बताऊँ कि बाबू जी को गुजरे हुए इस मार्च में, आने वाले मार्च में, कुछ महीनों में पूरे 20 साल हो जाएंगे जी सर, 20 साल में एक पीढ़ी गुजर जाती है सर, 20 साल है मार्च के, ठीक है, है ही। अब आपने तो बाबू जी को देखा है जी, उनके साथ कई कार्यक्रम किए हैं, लिटरली आप तो उससे शामिल हैं। अब मुझे बताइए ईमानदारी से, सच्चाई से, कि बाबू जी का स्टेचर जो उनकी मृत्यु के समय था, पॉलिटिकल सामाजिक जो भी स्टेचर था, और 20 साल बाद आप देखते हैं यार, बड़े बड़ों के नेताओं के स्थिति खराब हो जाती है, उनके परिवार अगर ना मनाए तो श्रद्धांजलि देने वाला कोई नहीं बचता, ठीक है ना। यहाँ तो कार्यक्रमों की लगा रहती है। और आप मुझे बताइए कि बाबूजी का जो स्टेचर है वो कहीं से कम हुआ है? बिल्कुल नहीं, वो सुगंध की तरह फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो उनके बारे में सुनता है और जानता है कि भाई साहब, ये आदमी 18 साल तक विधायक रहा, 10 साल कॉरपोरेटर रहा, और 3 बार मंत्री रहा, और उसका अपना घर नहीं मुंबई में, ठीक है। ये जब सुनता है तो उसको क्या लगता होगा अपने आप में, ठीक है ना। ये स्थिति जो है, ये तो है कि हर कोई उनके साथ अपनापन महसूस इसीलिए कर पाता है। वो जो त्याग है ना, वो जो हम लोग जिए हैं जिस त्याग में, वो शामिल रहे हैं उस त्याग में, उसके बाद हम लोगों को एक स्थिति आ जाती है कि वो एक सबसे बड़ी चीज़ जो बाबू जी ने हम लोगों को दी है, वो संतुष्ट रहने की कला है, ठीक है। बाबू जी ने बहुत बढ़िया बात की, अच्छा उदाहरण दिया था अनौपचारिक चर्चा में कि भाई कि कोई इस तरह के लोग भी उनके नाम पर कर रहे हैं, बस ज्यादा ज्यादा आप ये करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने बताया आपको, अब वो चर्चा में करूं कि एक ऐसे आदमी थे जिनको पुरस्कार, उनका बड़ा भाव अच्छा रहा होगा बाबूजी के नाम से, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को दे रहे थे जो शायद इसके बारे में समाज में बहुत खराब मैसेज था, अब वो देना चाहते थे, तो मैंने मना नहीं किया उनको, मैंने रोक नहीं लगाई उनकी इच्छा। हाँ, बाबू जी सबके हैं और पब्लिक है, पब्लिक फिगर है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। बिल्कुल, हाँ, कल कोई जो इलीगल झोपड़पट्टी बना ले, उस पर उनका नाम दे दे, तो क्या आपको लगता है मैं खड़ा रहूंगा वहाँ की, क्यों नाम दिया मेरे पिता का, थोड़ी मैं इतना ना समझ थोड़ी हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं करने वाला उस कार्यक्रम में, मैं नहीं गया, तो इस तरह समझ रहे अपने आप, एक संदेश दिया है ना, ठीक है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हुआ, ठीक है। उनको करने दिया, कोई रोकने लगा, उन्होंने किया, अच्छे से कार्यक्रम हुआ और वो किया, लेकिन वो आप समझिए इस तरह के प्रोग्राम कई बार होते हैं, कई बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं। अब एक बोरीवली में एक फंक्शन होता है ना, दहीसर में एक छोटा सा उनके नाम से लाइब्रेरी बनाई गई है, और एक वहाँ फंक्शन होता है, एक छोटा सी लाइब्रेरी है बहुत महंगी, लेकिन वो दहीसर में है, वहाँ एक कार्यक्रम हर साल करते हैं, एक बहुत ही संगठित समूह है, और बहुत उस तरह का
ना, वो एक ईमानदार आदमी को पुरस्कार करने की कोशिश करते हैं बाबूजी के नाम की, ठीक है, तो वो तो कोशिश करते हैं अपने तरफ से। और पुरस्कार समारोह में मैं हर साल जाता हूँ, चुपचाप आगे वाले रो में बैठता हूँ, ताली बजाता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देने का अवसर तो कभी आता है, भाषण देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं कभी, ठीक है, तो मैं वो उस कार्यक्रम में जाता हूँ। उत्तर दर्शन का की पत्रिका है जो हिंदी भाषियों की शायद सबसे पुरानी पत्रिका है इस समय, वहाँ एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में पूर्वाऊ जी के नाम का पुरस्कार होता है ना, भिवंडी के विधायक रहे हैं वो पुरस्कार देते रहे बीच में। आप समझिए कि वो अनंत नसीम भाई का तो मैंने आपको बताई, वो पुरस्कार कोई ना कोई देते रहे हैं। तो ऐसे कई पुरस्कार समारोह मुंबई में होते हैं, कई ऐसे समारोह हैं जो उनको याद किया जाता है उस तरह से, ठीक है ना। एक ऐसा छोटा सा कार्यक्रम है जहाँ फाग और बिरहा होता है बाबूजी के नाम से, है ना, मतलब देसी गाने होते हैं, बाबूजी को पसंद थे वो, तो उनको पता था वो प्रेमी लोग हैं फाग और वो मतलब उस मस्ती में जाकर के शामिल हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ उसको, तो वो उसको जो आप जो देख रहे हैं ना, वो मैं एक अजीब चीज़ देख रहा हूँ। मैंने देखा बाबूजी का सामाजिक स्टेचर, ठीक है, और राजनीतिक स्टेचर, और दूसरी चीज़ें मैंने देखी हैं। 20 साल बाद अगर आप आकलन करें, बहुत सारे मंत्री हो गए महाराष्ट्र में, ठीक है, कई सर, हाँ बहुत सारे, मतलब हजारों की संख्या में पहुंच गए होगी अब शायद मंत्रियों की संख्या, मुंबई की गिनेंगे तो वो कुछ 100 में पहुंच चुकी होगी सर, पर 20 साल बाद भी, हाँ ठीक है ना, क्या हालत होती है ये आप जानते हैं सर, ये ठीक है ना, बड़े बड़े वो स्थिति बनती है कि मैंने वो भी देखा है स्थिति की, देश के बहुत बड़े उद्योगपति गुजर गए हैं, है ना, और सब दूसरा जाएगा यह समझ करके, वहाँ पता चला नौकरों के अलावा कोई था ही नहीं, ठीक है, बहुत बड़े उद्यमी की शव यात्रा की बात कर रहा हूँ, देश के बड़े उद्यमी के साथ में, और यहाँ तो मैंने किसी को बुलाया ही नहीं था उनकी शव यात्रा में। आप बोलोगे आश्चर्य करोगे क्यों नहीं बुलाया भाई, पूछोगे ना आप, आपको पता है क्यों नहीं पूछा, आपको आज मैं बता दूँ पब्लिकली बता दूँ आज क्यों नहीं बुलाया मैंने, आपको भी नहीं बुलाया था, ठीक है, आप पहुंचे थे, बुलाया नहीं था मैंने जी, किसी ने वो दोपहर तक 11-12 बजे कह दिया था, ख़त्म हो गया 2 बजे तक, वो ख़त्म हो गया, मैंने अपने एक ऑफिस में कॉल कर दिया कि आज मैं, है ना, मैं शायद कुछ दिन नहीं आऊँगा, आज मेरे पिता का निधन हो गया है, अपने जो इमीडिएट बॉस हैं उनको फ़ोन कर दिया ऑफिस में, टाइम्स बिल्डिंग बगल में थी, बम्बई अस्पताल में गुजरे थे वो। थोड़ी देर में मैं देखा उन्होंने, मेरे ऑफिस के दोस्तों को लगा कि कुछ होना चाहिए, उन्होंने फ़ोन कर दिया, जी टीवी में टिकर चलने लगा, और 15 मिनट में, है ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सब वहाँ पहुँच गए अस्पताल मेरे देखते देखते। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये क्या, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं यार, फिर ये कैसे हो गया, आप देख रहे हैं कमाल, क्यों आपने बताया, मैंने क्यों नहीं बताया, ये सवाल हुआ आप पूछोगे ना जी, जी। भाई पिता का काम है ना, पिता खत्म हुआ तुमको बताना चाहिए लोगों को, इतने ना समझ आते, बड़ी अजीब स्थिति थी। बाबूजी जरा बाबूजी पूजन तो करते थे 10 मिनट, लेकिन थोड़ा लेफ्टिस्ट थॉट के थे, ठीक है ना, उनका मैं पुत्र हूँ, उनके नाम से रामायण करता हूँ, उन्होंने नहीं की रामायण कर, ठीक है, लेफ्टिस्ट थोड़ा सा थॉट था, बैठते थे लेकिन 10 मिनट से ऊपर का वो भगवान के सामने भी नहीं बैठते थे, तो वो लेफ्टिस्ट थे। उन्होंने कहा कि मेरे गुजरने, मुझको बुलाया, उनको पता था कि गुजर रहे, कई चीज़ें उन्होंने बताई, तो उन्होंने अपने मृत्यु के पहले कहा कि बच्चा ऐसा है कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो तू बहुत ज़्यादा ये बाल वाल मत कटवाना, ठीक है, और वो ज़्यादा कुछ विधि वगैरह मत करना, और वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में मेरा अंतिम जो है वो तू कर रहा, ठीक है, मैं जहाँ चूक गया हूँ आज वो बता रहा हूँ जी, जहाँ मैं चूक गया नहीं कर पाया, दुर्भाग्य देखो कैसा होता है जी, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में करना, और बोले थोड़ी देर रुकना पड़ता है, बड़े एक्सपीरियंस से पता नहीं कितने लोगों को छोड़ गया, बोले कि वो जरा राख बहुत गर्म होती है जब खोलते हैं, तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है 1-2 घंटा वो राख ठंडी होने के लिए, निकल खोलने के बाद भी बोले वो तू जब ठंडी हो जाए तो एक छोटी सी शीशी ले लेना, मैं जानता हूँ भावुक है ना तू, जानते थे हम लोग एक दूसरे की थोड़ी सी टेयर भी लेते थे, वो बड़े खुले दिल के व्यक्ति थे ना, और वो एक तरह से दोस्त ज़्यादा थे पिता से कम, तो बोले वो राख उस बॉटल में भरना और वहाँ मरीन ड्राइव पे जाना और वहाँ से उठा करके जोर लगा के समुद्र में फेंक देना, हो गया मेरी विधि, ठीक है। अब ये हालत क्या हुई मालूम है सलमान,
तुम तो थे वहाँ जी, हाँ देखिए 10,000 लोग थे उनकी अंत्यविधि में, और आप मैं सामने खड़ा था, वो तिरडी विरडी उन्होंने बांधी, मैं बांधते देख रहा था, और मैं सब असमंजस में थे, मुझे तो रोने का भी टाइम नहीं था यार, मुझे उनके अंतिम वो पूरा करना था, मैंने किसी को बताया भी नहीं, पड़ोसी पड़ोसी तक को नहीं बताया कि वो गुजर गए हैं, लेकिन वहाँ वो हालत थी कि आप तुम आपने देखा कि क्या हालत है, है ना। अब 10,000 लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि एक पुत्र को ये फुर्सत नहीं है कि पिता का अंतिम विधि कर रहे हैं, कैसे करना है जैसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो भाई साहब सलमान मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं एकदम शांत हो गया। और वो जो कुछ लोग लकड़ी ले आए थे, कुछ लोग घी ले आए थे, है ना, सब व्यवस्था सबने, वो कुछ वापस हुई लकड़ियाँ और घी वगैरह, हाँ, और चंदन वंदन सब, वो प्रेमी ऐसे ऐसे थे, तो सब ले आए थे, है ना। मैं उनको मैं उनको किस मुंह से बोलता, भाई मत करो। मैंने अपने पुत्र से बोल दिया, भाई ठीक है, तुम मेरी वाली इलेक्ट्रिक वाले में कर देना और ये काम पूरा कर देना, मुझसे रह गया एक काम। नहीं नहीं वो पूरा हो, देखिए आपको ईश्वर लंबी उम्र दे, और पिताजी के जिस उसी परंपरा को आप आगे लेके जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये जो भवन बने, इस भवन उनके नाम का जो भवन निर्माण हो उसको फॉलो थोड़ा सा रखा जाए, जो चूक हम बार बार दूसरों को दोष दें उससे बेहतर है कि थोड़ा अपनी टीम भी इसमें लगे, क्योंकि अपनी टीम से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं, तो थोड़ा फूंकते रहें और एहसास दिलाते रहें कि भाई आप चूक कर रहे हो। तो जैसा आप हम कह रहे हैं कि पिछली वाली सरकार से चूक हुई वो कर नहीं पाए, तो ये लोग भी सिर्फ कोरी लफाजी न रह जाए, हालांकि ये हार्ड शब्द है कोरी लफाजी, फिलहाल लेकिन फिलहाल वो अगर ईमानदार कोशिश अपने, है अपने आप से, है ना, किसी कारण से भाई जगताप जी ने इसको इनिशिएटिव को लिया जी, है जी। मेरे ख्याल से उनको अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो उनको उसका श्रेय देना भी, श्रेय भी देंगे, और अगर कहीं कुछ फॉलोअप में वो लोगों का काम होना चाहिए, उसमें कोई अड़चन लेना ना, हम लोगों का काम नहीं है, वो काम को आगे बढ़ाएंगे, है ना, जहाँ 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 वो मुझे खड़ा होने को कह देंगे, बेशक मैं खड़ा होने के तैयार ही हूँ। उम्मीद करते हैं कि इसका एक नतीजा निकले, अगर कोई करके राजनीतिक लाभ लेता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, एक चीज हो जाए, और मात्र राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो उसी विधान परिषद में बैठ रहे हैं जहाँ बाबूजी बैठे हैं, तो उनके लिए भी एक नैतिक काम हो जाएगा और फॉलोअप अच्छा होता है और अच्छा काम हो जाएगा, उनको भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर होंगे। आप आए अपनी बहुत ही बहुत ही बहुत ही निजी स्तर तक हम लोगों ने बातें की, इस बहाने बाबूजी को हम लोगों ने याद किया, तो इसका श्रेय भाई जगताप को तो हम लोग देंगे ही, और बहुत सारे लोगों को देंगे जिन जिन लोगों ने डीआरवी न्यूज को भी देना पड़ेगा, डीआरवी न्यूज इस कार्यक्रम को लेने के लिए। देखिए इस तरह के और क्या, डीआरवी यही तो दे रहा है, अपनापन तो दे रहा है लोगों को, हम कोरी लफाजी कोरा राजनीति केवल और धर पकड़ मारा मारी बहस इसमें पढ़ ही नहीं रहे हम। सकारात्मकता डे वन से हमने जब शुरू किया है तब से हम डे वन से यही कह रहे हैं कि हम सकारात्मकता परोसेंगे, और सकारात्मक इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ को भी हम सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, और सीधे सीधे हम किसी को ना आरोप लगा रहे हैं ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, तो एक बेहतर कोशिश है, इसमें हम सब मिलकर हाथ मिलाएं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के नाम का वो भवन हो जाएगा और हम सब मिलकर उसके उद्घाटन में पहुँचेंगे, और आपकी देखरेख में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी निजी बातें साझा करने के लिए जिसको डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के चाहने वाले देखना और सुनना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अनुराग त्रिपाठी। अनुराग त्रिपाठी जी को आपने देखा, ये बहसे पत्रकार हमेशा बैठते हैं, आज डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के पुत्र के रूप में भी बैठे, वही सादगी, वही अपनापन, वही उनकी परंपरा को उसका निर्वहन करते हुए कि भाई अगर समय है, समय ने सब कुछ ठीक रखा तो ये लोग कर ले जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे, बाकी कार्यक्रम तो उनके नाम पर चल ही रहे हैं। ये सकारात्मकता आप में भी आए, हम सब में आए, यही प्रार्थना करते हैं दशहरे के दिन। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, अनुराग त्रिपाठी जी को, GRV न्यूज़ को, और हम सभी को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जाने से पहले एक बात कहते जाएं कि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी से जुड़ी कोई बात आप कहना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कोई सुझाव आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताएं, और हम उसे आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए और उससे जुड़े हुए लोगों तक ज़रूर उस बात को पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सैयद सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।